सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ टीवी देख रहे सारे श्रोतियां नूं जी आया नूं जी। हुणे हुणे अज इस तूफान बारे पंजाब विच जारी होया यह वड्डा अलर्ट। आई ताज़ा वड्डी खबर। खबर नूं शुरू करन तों पहला जिन्होंने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लैण ते वीडियो नूं वध तों वध लाइक एंड शेयर भी कर देना। पहला ही तोते तूफान के चलद तबाही चल चुके भारत ने हुण इस तूफान का खतरा मंडा रहा है। यह तूफान तेजी नाल अगे वध रहा है। कल तक यह तूफान उड़ीसा पहुंच जाएगा। इसके चलद एक बार फिर तो देश के कई सूबों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पहला ही अलर्ट जारी कर दिता है। दिल्ली, बिहार, यूपी, हरियाणा ते बिहार समेत पंजाब ते भी इसका प्रभाव पवेगा। फिलहाल मौसम की ताज़ा स्थिति के बारे गल करिए तो दिल्ली च पिछले दिन चले बारिश के दौर ते बाद मौसम इकसार बनया होया है। दिन च तेज धुप्प दे नाल हवावां भी चल रही हैं। उत्थे यूपी पंजाब के कई इलाकों च गर्मी ने अपना असर दिखाई दे रहा है। मनिया जा रहा है कि तापमान 42 डिग्री पार कर सकता है। अज तो झारखंड च इस तूफान का प्रभाव दिखना शुरू होएगा। मनिया जा रहा है कि यह तूफान अज भयानक होएगा जिसके चलद कई इलाकों च भारी बारिश का अलर्ट भी जारी है। इन्ना ही नहीं धनबाद च इस तूफान का असर दिखन लगेगा। तड़के तो ही इतने बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी उठे इस तूफान का असर अज बिहार तो भी देखने को मिलेगा। इसके चलता तेज अंधेरी ते बारिश का खदशा है। मौसम विभाग ने तूफान को लेकर 25 से 28 मई तक येलो ते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर यूपी की गल करिए तो इतने फिलहाल मौसम साफ बनया होया है, पर इस तूफान तो ही यह सूबे की अनछुया नहीं रहेगा। मौसम विभाग यूपी के भी करीब 27 जिले च बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन्होंने 27 जिले च 24 मई से 28 मई तक तूफान कारण बारिशों की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश के कुछ दिन मौसम साफ रहन मगरों ते पछमी गड़बड़ एक्टिव होने की संभावना है। इतने कई दिन मौसम च गर्मी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 मई तक मौसम साफ रहेगा तो 28 तो पछमी गड़बड़ी एक्टिव होएगी। पंजाब ते हरियाणा मौसम की गल करिए तो सूबे च अज ते कल गर्म चकन के नाल बारिश हो सकती है। यानी एक बार फिर तो हरियाणा के लोगों को गर्मी तो राहत मिलेगी तो मौसम सुहावना हो जाएगा। खबर को लास्ट तक देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद।